मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष की उपलब्धियों को भाजपा जनता तक लेकर जाएगी, जिसको लेकर 1 से 30 जून तक भाजपा ने अभियान चला रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए प्रदेश भाजपा वर्चुअल रैली आयोजित करेगी। इन रैलियों में डिजिटल तकनीकी के माध्यम से हजारों लोग जुड़ेंगे। भाजपा के केंद्रीय नेता इन्हें संबोधित करेंगे। इसके लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी बनाया गया है। जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनको आम जनता तक और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़े अभियान शुरू करेगी और उसमें हमारी प्रारंभिक शुरुआत हुई है सेवा के कामों से। भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चों को विशेष तौर पर ये लक्ष्य दिया है कि वो बूथ स्तर तक सैनिटाइजर, मास्क और 2 गज की दूरी, इस सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करा के इस कोविड-19 में जो लड़ाई लड़ने में मोदी सरकार ने यशस्वी सफलता हासिल की है उसका संदेश दें और जागरूकता का ये अभियान चलाएं। पार्टी सोशल मीडिया के फोरम पर और ज्यादा मजबूत हो, संप्रेषण मजबूत हो, इसलिए पूरे प्रदेश भर के 52,000 बूथों पर व्हाट्सएप के ग्रुप्स का निर्माण करेगी और पार्टी की गतिविधियों को, रीति नीति को समय समय पर पहुंचे।